2.7 लवण सॉल्ट्स। हम जानते हैं कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब यही H+ आयन और OH- आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं, साथ ही लवण सॉल्ट्स का निर्माण होता है। लवण ऐसे आयनिक यौगिक हैं जिसमें एक भाग धनावेशित और दूसरा भाग ऋणावेशित होता है। इसमें धनात्मक आवेशों की संख्या ऋणात्मक आवेशों की संख्या के बराबर होती है और लवण विद्युत उदासीन होता है। लवण बनाने के कई तरीके हैं जिनमें से मुख्य है अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया। HNO3 एक्वस नाइट्रिक अम्ल प्लस KOH एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू KNO3 एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O लिक्विड जल। H2SO4 एक्वस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस CuOH होल ट्वाइस एक्वस कॉपर हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू CuSO4 एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड जल। CH3COOH एक्वस एसिटिक अम्ल प्लस NaOH एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू CH3COONa एक्वस सोडियम एसिटेट प्लस H2O लिक्विड जल। CH3COOH एक्वस एसिटिक अम्ल प्लस NH4OH एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू CH3COONH4 एक्वस अमोनियम एसिटेट प्लस H2O लिक्विड जल। उपरोक्त उदाहरणों में हम देखते हैं कि लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसे क्षारीय मूलक बेसिक रेडिकल एवं ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक एसिड रेडिकल कहते हैं। उदाहरण पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 में K+ चार्ज क्षारीय मूलक तथा NO3- चार्ज अम्लीय मूलक है।